हाँ तो ये ब्रू हाउस स्टॉली है, ब्रू हाउस स्टॉली, हाँ ओके। और ये इसका जैम्प है थोड़ा ताने के लिए, करीम चढ़ाने के लिए। और ये इसकी सेफ्टी के लिए घोड़ा अंदर जाएगा एक, और ये इसके बीच में आ जाएगा। और ये इसका छत के लिए कुशन है, हाँ हॉर्स को हॉट नहीं होना चाहिए, हाँ, कुशन। तो एक घोड़ा इधर है, एक बीच में रहेगा। ओके। और ये लाइट का सिस्टम है, फाइन लगा है इसमें। ओके। वेंटिलेशन के लिए जाली है इसमें जो हवा क्रॉस करती है। तो एंटी शीट है, डबल भी है, कहीं धूप ना आए बराबर, उससे घोड़ों को गर्मी ना लगे। और ये मैट, ये रबर की मैट, हाँ, ये कितने एमएम की मैट है? ये है कम से कम 20-25 एमएम की। ओके ठीक है ना। तो ये घोड़ों का चारे के लिए है। अच्छा, ट्रैवलिंग में चारा जो लगता है इसके अंदर इसमें डाल स्टोर कर सकते हैं। ओके। और ये एक बंदे के लिए बैठने के लिए जगह रखती है इसमें। अच्छा, उस पे वॉच कर सकते हैं दोनों हॉर्सेस का ट्रैवलिंग फ्रंट से भी है। और ये लाइट सिस्टम बैटरी का। अच्छा, वेंटिलेशन की भी अच्छा है, क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है। फैन कहीं बड़ा डाला ना करना पड़े दरवाजा। अच्छा, तो एक बंदा यहां से कवर यहां से एक्सेस कर सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है, देख सकता है। बराबर बराबर। चार रिम लगे। ओके। तो इसमें कहीं घोड़ों को अंदर प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए लगा रखे हैं, क्योंकि एक एक अच्छे से शॉक अब्सॉर्ब कर सकते हैं, मतलब एक खड्डे में लगा तो दूसरा उसको कवर कर लेगा। बराबर बराबर। और ये इसका मैग्नेट है, इस पे लाइट वगैरह लगा रखी है क्योंकि चढ़ाई इसकी ज्यादा है। बराबर बराबर। ठीक है ना। तो उसको बैक साइड से कोई देख सकता है, आगे से गाड़ी से क्रॉस कर सकते हैं इसको। ये इसका जैकेट ऊंचा उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, डालने के लिए ये वाला इसे डाउन करके आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी के बैक साइड लगता है, उसकी लैंड सिस्टम जो भी है, लाइट वगैरह। ये हमारी उसका जो गाड़ी में टो करता है इसको। अच्छा, ये गाड़ी क्लाइम करने के लिए वो, हाँ। और ये यहाँ से लॉक हो जाता है तो गाड़ी से निकलता नहीं है ना। अच्छा। कोई ब्लिंक भरा है कुछ करता है। इसकी हाइट है 8 फुट हाइट है, 8 फुट है। तो बीच में से है 7.5 फीट। इसकी लेंथ है 13 फीट। 13 फीट लेंथ है। ओके। इसकी डिज़ाइन भी एकदम खूबसूरत लग रही है एकदम। ये हमारा कंपनी का नाम है गुलशन। ओके। और ये तो होगी 2 हॉर्स के लिए। अभी हमारे पास एम्बुलेंस है 4 हॉर्स के लिए। अच्छा, डाला है अपना 7 फीट का, 7 फीट हाइट है उसकी। हाँ, ओके। और ये हाइड्रोलिक जैक लगा है इसमें। जैक है, ओके, हाइड्रोलिक जैक है। और ये हमारी कंपनी का लोगो है। हम आपको डाला काफी लंबा है ये। अगर ये छोटी अपने कम जगह में डालना हो इसको तो इसको फोल्ड कर देते हैं। ओके। अगर ना हो तो पूरा ओपन कर लेते हैं इसको। तो हॉर्स को लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, वो लोडिंग के लिए माउंटेन ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब पैर फिसलता है, अच्छा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती कोई। ओके। तो ये अपना स्लिप नहीं होगा इसके कारण, स्टॉपर टाइप। ओके। इसमें कितने 4 हॉर्सेस हम? ओके। पहले को यहाँ से सभी को फोल्ड कर अपना ओपन कर देते हैं। इसमें भी सब कुशन प्रोवाइड किए हैं, हाँ किया है, कि हॉर्स को लगे ना उसके कारण। यहाँ पे सेफ्टी के लिए, इसके घोड़े के लिए। ओके। कहीं घोड़ा इसको धक्का मत दे उधर को। और ये
पहला घोड़ा जाएगा इधर ये घोड़े के लिए और ये घोड़े को बांधने के लिए गलू ओके और एक इधर बांधना पड़ेगा ये इससे बाद दूसरा दोनों साइड पे कुशन कुशन मिलेंगे इसको और उनसे देर वैसे ही ये सेकंड हॉर्स के लिए इसमें चार और आराम से और ये लाइट का सिस्टम है इसमें और इसमें इसमें भी ऐसे वैसे ही है जैसे सीट डाल रखी है इसमें गर्म से और ये जाली वगैरह इसमें और इसके ऊपर इंसुलेशन भी शीट डाली है वो भी डाल रखी है ओके okay. तो गर्म ना हो जाए हमने हवा क्रॉस करने के लिए वो अच्छा गाड़ी जब मोशन में होगी तो उसको ओपन कर देंगे वेंटिलेशन के लिए और ये घोड़े की चारे अच्छा चारे के लिए कैनाल बनाया है इसमें आसानी से खा सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे इसमें पानी भी डाल सकते हैं उसको पीने के लिए उनके लिए अच्छा तो ट्रैवलिंग में डिहाइड्रेशन नहीं होगा उनको तो और ये उनकी सेफ्टी के लिए घोड़ा नहीं तो कि हॉर्स किक भी करे तो कुछ लगे ना इसमें भी वही मैट लगा है 25 mm का हां मैं देख भी रहा हूं उस पे चल रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुशन फील हो रहा है पूरा पैर पे एकदम सॉफ्ट लग रहा है ये इनको डिवाइडर को जो सेफ्ट लगाने के मतलब डिपेंड्स हॉर्स कितना लंबे लंबे डिवाइडर लगा रहे हैं उसको इधर भी ऐसे ही है तो वो सामने फाइन लगाया सब फैन भी लगाया ऊपर और इसमें तीन लाइटें हैं और ये दो है और एक कैमरा लगा इसमें और अच्छा कैमरा भी है मतलब कैमरा भी है और इसका मॉनिटर कहाँ पे इसका मॉनिटर आगे है ड्राइवर के साइड में अच्छा वहाँ से वो बराबर देख सकेगा ओके और यहाँ से एक्सेस उसको देख सकते हैं कर ये उसके आगे की साइड है एक्सेस कर सकते हैं और उसके आसानी से यहाँ से बंदा उसको घोड़ों को देख सकता है और ये इसमें इन्वर्टर सिस्टम है यहाँ पे ऊपर एक बेड भी है किसी एक बंदे को बंदे के लिए बैठने के लिए भी आराम से पड़ सकता है 6 feet का आराम से आ जाता है ओके ओके डीजल वाली टैंकी है फ्यूल का टैंक है अच्छा हॉर्स फील्ड ट्रैवलिंग के टाइम पे इसके लिए प्रोविजन दिया गया है इसमें पानी का टैंकर रख सकते हैं जैसे छोटा जनरेटर होता है वो भी हम रख सकते हैं इसमें काफी स्पेशियस है अलग अलग कैबिन भी दिए हैं ये हमारा हाइड्रोजेक का सिस्टम है जो मशीन अच्छा, कंट्रोल करने के लिए वो लोअर और लोअर करने के लिए और ये इसके बटन है मशीन चलती है जहाँ से अभी लिफ्ट कर रहे हैं इसको उसको लोअर करने के लिए लिफ्ट करने के लिए आसानी से एक बटन से उसको हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे कर सकते हैं इजी टू हैंडल है तो ये घोड़ों की काठी के इसमें अच्छा कुछ एक्सेसरीज है उनके सैडल्स है इसमें दो काठी डाल सकते हैं अच्छा इसमें और दो रखे हैं चार हॉर्सेस के लिए चार रखे हैं यहाँ पे अपना सामान कोई भी कुछ रख सकते हैं जैसे कक्का लीड़ा जो भी है और ये गाड़ी का अपना रिंग स्टेपनी जो बोलते हैं अच्छा
ये इसका बैटरी सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे बैटरी? हाँ, बैटरी का। इसमें आ जाओ, स्टेपनी है। इसमें स्टेपनी मेरा। ओके। और आगे इधर आता हूँ, जहाँ पे मैं इंटर रखा है। क्या बिल है? तो तीन बंदों की कवरिंग जगह है। ये हमारी एलसीडी है। अच्छा, ये जो कैमरा पीछे लगाया है, कैमरा मॉनिटर लगा रखा है इसमें। अच्छा। और जहाँ से हम ड्राइवर बंदा या कंडक्टर बंदा देख सकता है इसमें, दूरे कहीं परेशानी में तो नहीं है। और ये इसका जीपीएस है। जीपीएस भी दिया गया है। ओके, मतलब वैन कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे है, वो मोबाइल से हम जज कर देख सकते हैं। अच्छा, वो भी देख सकेंगे। अरे वाह, मतलब ओनर जगह पे ही बैठ के सब देख सकेगा। ओके, और ये आयशर गाड़ी की तैयार की हमने, मॉडिफाई किया। अच्छा, ये बेसिकली आयशर वैन थी, उसको कस्टमाइज करके मॉडिफाई करके उसको मॉडिफाई करके हमने जो एम्बुलेंस बनाया। ओके, इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ दो तीन क्वेश्चन पूछने आपसे। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आपने अभी कहा कि ये हॉर्स एम्बुलेंस है, तो ये सिर्फ एम्बुलेंस के लिए ही यूज़ होती है हॉस्पिटल में, या अगर मेरा कोई स्टड फार्म है तो मैं स्टड फार्म में भी यूज़ कर सकता हूँ ये वैन? ये आप स्टड फार्म के लिए भी यूज़ करते हो, एम्बुलेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसके कुछ अलग रूल्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग लगते हैं क्या उसके लिए? लगेंगे, क्योंकि जो एम्बुलेंस है वो उसको कहीं नाके पे कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, और जो हमारा हॉर्स स्टड फार्म के लिए उसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। ओके, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे फिर? ओके, चेंज हो जाएगा। ओके, और दूसरा सवाल है कि अगर मुझे, अगर मैं स्टड फार्म के लिए यूज करता हूँ, पर्टिकुलर मेरा स्टड फार्म अगर मैं उसके लिए यूज करता हूँ, तो मुझे अगर कस्टमाइज कुछ कलर फाइनल करना है तो उसके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो? ओके, अपना ब्लैक हो, व्हाइट हो, ग्रीन हो, कोई भी कलर हो, और यहाँ तक तो अपना लोगो भी चेंज करा सकते हो। अगर अच्छा, स्टड फार्म के लोगो भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं, एक तरफ हो जाएगा आपका लोगो, एक तरफ हो जाएगा। बराबर बराबर। और अगर मेरे पास ऑलरेडी एक आयशर वैन है और उसको मुझे ऐसा कन्वर्ट करना है, मॉडिफाई करवाना है, तो आप करा सकते हो वैसे? सकते हैं। अगर ये आपकी ऑलरेडी सिर्फ चासी हो, कली कैबिन हो, चासी हो, बगैर बॉडी के, बगैर बॉडी के ओनली चासी है, तो भी हो जाएगा। अगर ये बॉडी भी है तो भी हो जाएगा। अच्छा, तो आपने अभी स्टार्टिंग में दिखाया कि टू हॉर्सेस एम्बुलेंस थी, ये थी फोर हॉर्सेस एम्बुलेंस। तो अगर इसके, इससे ज़्यादा मुझे सिक्स हॉर्स या एट हॉर्सेस के लिए एम्बुलेंस चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा ना, हमें गाड़ी थोड़ी सी लंबी होगी। अच्छा, चौसी जो लंबी होगी, जैसे ये 20 फीट है, 20 फीट। ओके, ठीक है ना, उसके लिए 22 होगी या 24 होगी। अच्छा, उसका आयशर का अलग डिजाइन होगा, अलग मॉडल यूज करेंगे, गाड़ी पे डिपेंड करता है। बराबर, ठीक है ना, वो जैसे गाड़ी लंबी आएगी वैसे हमारे घोड़ों के लिए जगह भी ज्यादा हो जाएगी उसमें। ओके, अगर इसमें बेडरूम बनाना वो भी बन जाएगा, किचन वगैरह और बाथरूम वगैरह सब कुछ अलाउड होगा वहाँ पे। अच्छा, उसमें बाथरूम और किचन विचन सब होगा उसके अंदर? पर डिपेंड्स कस्टमर को क्या चाहिए, उसमें क्या कस्टमाइज करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके सबसे आप प्लान करके डिजाइन कर दो। डिजाइन करते हैं। ओके, कैरी अपना, सॉरी, अलग से चार्जिंग लगेगा, जो वगैरह वगैरह लगाएंगे चार्जेस उसमें एक्स्ट्रा बन जाएंगे उसके। ओके, तो अभी चार्जेस के बारे में कुछ पूछ सकते हैं हम कि ये टू हॉर्सेस एम्बुलेंस की क्या प्राइस होगी? उसका प्राइस है 3.5 लाख रुपया, नॉर्मल सा डिज़ाइन के हिसाब से है। उसमें कोई भी डिज़ाइन, कोई भी चेंजिंग कराना हो तो करवा सकते हो, कैमरा लगवाना हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस बन जाएंगे? हाँ, वो अलग से होगा। अच्छा अच्छा, और जो अभी रेडी है वो उसका 3.5 लाख रुपया, जो अभी रेडी मॉडल है अभी डिस्प्ले में, उसके 3.5 लाख है। अगर एक्स्ट्रा कुछ एक्सेसरीज लगाने उसमें तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे वो आपका, आपकी तरफ से होगा। और ये जो फोर हॉर्सेस एम्बुलेंस है उसके, उसका क्या प्राइस होगा? इसका जैसे गाड़ी आपकी हो तो। ओके, गाड़ी अगर हमारी हो और सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है, केबन, केबन का काम होगा। हाँ, उसका अपना जो भी है 7-8 लाख रुपया जो भी लगेगा, और जितने आपने अभी दिखाया है सब अलग से हमारा होगा, और उसमें जो भी है लैटरिंग वगैरह, बाथरूम वगैरह, उसके भी एक्स्ट्रा लगेंगे, किचन वगैरह, बेडरूम वगैरह सब हो जाएगा, उसका भी अलग से चार्जिंग लगेगा। उसके कितने रेंज होंगी? तो भी वो जैसे कि मान लो अभी हमारा इस पर खर्चा कम से कम 7-8 लाख रुपया आ गया, उसके बगैर 2-3 लाख रुपया और आ जाएगा, और एक्स्ट्रा हो जाएगा बेडरूम, किचन, हाँ, और वॉशरूम के लिए। ओके, बराबर, धन्यवाद, आपने बहुत
अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी इसके बुलशन वैन के बारे में, धन्यवाद आपको।